बेटा आओ ना साथ। बच्चे साथ हो जाओ प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के थ्रू आज हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स जो है इन्होंने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है। ये इंट्रा म्यूरल टूर्नामेंट है, इसमें डिपार्टमेंटल टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स कॉलेज के फिजिकल साइंसिस डिपार्टमेंट है या फिजिक्स डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, बॉटनी है, जूलॉजी है या फिर होम साइंस है या जोग्राफी डिपार्टमेंट है या फिर आर्ट्स के हैं टीमें कुछ एक और स्पोर्ट्स से रिलेटेड है जो स्पोर्ट्स की भी टीम पार्टिसिपेट कर रही है और एक और टीम मैंने यहाँ देखी है एनसीसी की टीम जो है पार्टिसिपेट कर रही है। तकरीबन कुल मिला के आज की डेट में ये जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो रहा है इसमें 12 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और एक और अच्छी बात है कि 4 टीमें जो है वो गर्ल्स की होंगी। तो ये मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे डॉक्टर जोगविंदर सिंह सोधन जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं हमारे डिग्री कॉलेज के थ्रू और जो हमारे सीनियर फैकल्टी मेम्बर हैं प्रोफेसर राकेश जी हैं और प्रोफेसर जसविंदर जी हैं, प्रोफेसर राजकिरण जी हैं, सब लोग बराबर अप्रिशिएट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स जो वो भी पार्टिसिपेट करेंगे इस टूर्नामेंट में। एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी डॉक्टर जोगविंदर सिंह सोधन जो है फिजिकल डायरेक्टर ने प्रोवाइड किया है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कोविड जो है उसके बाद तकरीबन हेल्पलेस हो गया, कोविड में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रही थी। तो आज बच्चों के बीच में बहुत बड़ा जोश नज़र आ रहा है, बच्चे बहुत खुश हैं कि हमें ऐसा अपॉर्चुनिटी जो मिला। इनका क्लास वर्क जो है वो भी चल रहा है और जो बच्चे अपना क्लास मिस कर रहे हैं वो पार्टिसिपेट करके दोबारा क्लासेज लगा रहे हैं, साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें चल रही हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर जोगविंदर सिंह सोधन को कि इतने अच्छे तरीके से इतना बेहतरीन उन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया है। आज का जो टूर्नामेंट है वो सिर्फ वॉलीबॉल रिलेटेड है और ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये दूसरे गेम्स जो हैं चाहे वो बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस होगा या चेस होगा या कोई और गेम होगी उसका भी ऑर्गेनाइज करेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद डॉक्टर जोगविंदर सिंह युवा जो है जो यूथ इसकी ड्रग एडिक्शन के तरफ जा रहे हैं वो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है। अगर कोई यूथ गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, गेम्स स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, रनिंग में पार्टिसिपेट करता है या दूसरी गेम्स होता है, उससे क्या है कि उसकी मानसिक जो है उसका जो मेंटल टेंशन जो है वो दूर हो जाती है, स्ट्रेस जो है दूर होता है और वो फिर कभी नीचे की तरफ नहीं जाता। तो जो यूथ ड्रग की तरफ है मैं बोलूँगा डॉक्टर जोगविंदर सिंह से बहुत सारे बच्चों का ये एक अच्छा कदम है। देखो एक टीम जो है वो पार्टिसिपेट करती है इंटर कॉलेज लेवल पर, उसमें खिलाड़ी टोटल 6 होते हैं जो गेम खेलते हैं, मगर ये जो खिलाड़ी हैं ये 6 नहीं है, ये बहुत सारे हैं क्योंकि ये इंट्रा म्यूरल है विद इन द प्रोविंसेस ऑफ कॉलेज है। इससे एक सिंगल बच्चे को जो 6 बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, इससे बहुत सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यही है
कि हर एक बच्चे को बराबर अगर अपॉर्चुनिटी दे देते हैं आप खेलने की और उसको अपने अकेडमिक्स में भी और हर जगह उसको अप्रिशिएट करेंगे, पार्टिसिपेट करने देंगे, तो फिर पक्का है कि ड्रग्स की तरफ बच्चे कभी नहीं जाएंगे। तो ऐसे जैसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज डॉक्टर गुरविंदर सिंह ने शुरू की है कि आने वाले दिनों में हम और भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज, इससे एक और चीज़ मिलेगी कि इनके इंटर कॉलेज लेवल के टूर्नामेंट होंगे उसको उसमें टीम सिलेक्शन में भी इनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ से पता चलेगा कि उन बच्चों का अच्छा खिलाड़ी है। और बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल स्टेप्स जो है डॉक्टर गुरविंदर सिंह ने किए हैं, मुबारकबाद इनको। और मुबारकबाद हमारे जो जितने भी सीनियर फैकल्टी मेम्बर्स हैं, बराबर लगातार अप्रिशिएट करते हैं हर एक एफर्ट जो है, कोई भी फैकल्टी मेम्बर या कोई भी जो है वो अगर टीम ऑर्गेनाइज करता है। थैंक यू।